फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक मेकओवर वंस अगेन। आज मैं आ गई हूँ आप सबके बीच एक बार फिर से एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ, आज का टाइटल ऑफ द वीडियो है 7 लाइफ सेविंग होली हैक्स। वैसे होली तो आ गई है एंड होली खेलना पर बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि साल में एक बार आती है। दिस इज अ कलर ऑफ हैप्पीनेस एंड कलर ऑफ जॉय। तो फिर होली खेलते खेलते हमें अपना स्किन, हेयर्स, नेल्स, कपड़े सब कुछ दाव पे लगा के खेलना पड़ता है, बट स्टिल हम होली खेलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज आप मेरे वीडियो पे कैसे आप अपने प्यारे प्यारे से स्किन, हेयर्स, नेल्स, कपड़े को बिना दाव पे लगाए हुए होली एंजॉय कर सकते हैं मेरे कुछ पर्सनल होली हैक्स। प्लीज लास्ट तक कंटिन्यू करें एंड बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, कम ऑन। अब होली के दिन आ गई है, होली खेलने जाना है बाहर फ्रेंड्स के साथ, बट सबसे पहले दिमाग में ये बात आता है कि होली में पहन कर क्या जाए। जी हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं कि होली में किस तरह के कपड़े और क्या क्या पहनना चाहिए। हैक नंबर वन, सो फ्रेंड्स, आप होली के दिन इस तरह खुले हुए कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। आप फुल स्लीव यानी कि क्वार्टर स्लीव की कुर्तियाँ, कॉटन की कुर्तियाँ या फिर टॉप्स कुछ भी पहन सकते हैं, बट अगेन इस तरह के कॉटन के कपड़ों में वाटर स्प्लैश होने से आपकी इनर विजिबल होने की चांसेस रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी फुल स्लीव का थोड़ा मोटा क्वालिटी का जो फैब्रिक होता है वो पहन सकते हैं और होली इन्जॉय कर सकते हैं। अब होली के दिन होली खेलने के लिए हमने ड्रेस तो जुगाड़ कर लिया है फ्रेंड्स, बट हेयर का क्या करें? जी हाँ, जब हम अपने आईने में देखेंगे कि ड्रेस रेडी है, होली खेलने जा रहे हैं और हेयर खुली है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में कूल दिखने के चक्कर में हम इस तरह से हेयर्स खोल कर चले जाते हैं। बट फ्रेंड्स, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। चलिए देख लेते हैं कि आपको अपने हेयर को किस तरह से रेडी करना है होली खेलने के दिन। तो सबसे पहले तो आप कुछ इस तरह से अपने हेयर रूट्स और हेयर लेंथ पे अच्छे से हॉट ऑयल का मसाज कर लें, और अगर आपको स्टिकीनेस की प्रॉब्लम है तो आप पैराशूट एडवांस्ड जो एलोवेरा वाली कोकोनट हेयर ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर बजाज आलमंड हेयर ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर मसाज के बाद आप अपने हेयर से कुछ इस तरह से अच्छे से एक ब्रेड बना ले, टाइटली ब्रेड, ताकि आपकी हेयर्स में डायरेक्टली होली की कलर पेनिट्रेट ना हो पाए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप बन भी बना सकते हैं, बट बन बनाने से आई डोंट थिंक कि जो होली की कलर्स है वो आपकी हेयर्स के अंदर नहीं जाएगी। आपके स्काल्प में होली के कलर्स इजीली जा सकते हैं अगर आप बन या फिर पौनी बनाते हो तो। इसीलिए मैं इस तरह की ब्रेड प्रिफर करती हूँ जिससे कि डायरेक्टली हमारे स्काल्प के अंदर होली के कलर्स नहीं जा पाते। सो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 teaspoonful ऑफ कर्ड, यानी कि 3 चम्मच कर्ड ले रही हूँ मैं। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग से ले सकते हैं, और 1 teaspoonful ऑफ हनी। और अब मैं इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर अपने हेयर लेंथ और स्काल्प में अच्छे से अप्लाई करके इसे 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी, एंड देन आफ्टर उसे मैं शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लूँगी। फ्रेंड्स, ऐसा करने से हमारे हेयर बिल्कुल सिल्की स्मूथ एंड शाइनियर हो जाएगी। अब बारी आती है फ्रेंड्स स्टेप नंबर 3 की, जो कि हमारी ड्रेस कंप्लीट है, हेयर भी रेडी है, बट हमारा स्किन का क्या करें? बट फेस को ढंग का बनाने के लिए कुछ लड़कियां ये सोचती हैं कि होली के दिन भी हम मेकअप अप्लाई कर लेते हैं, बट फ्रेंड्स ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मेकअप अप्लाई करने से हमारी जो स्किन है वो थोड़ी बहुत ड्राई हो जाती है, एंड होली का सीजन तो ऑलरेडी ड्राई और विंडी होता है, जिससे कि हमारा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका रहता है। तो मेकअप में अगर हम होली अप्लाई कर देंगे तो वो होली का ड्राइनेस अलग और मेकअप का ड्राइनेस अलग, स्किन तो पूरी बिगड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या अप्लाई करना चाहिए होली के दिन फेस पे, चलिए देख लेते हैं। तो फिर होली के दिन आप अप्लाई कर सकते हैं निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर विथ विटामिन ई ऑयल, या फिर बोरोलिन मॉइस्चराइजर का एक थिक कोट, और एल्स आपका कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर, लोशन या फिर ऑयल।
आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर प्लस ऑयल जो कि है पैराशूट कोकोनट ऑयल। तो इसे मैं एक अच्छी तरह से फेस पे एक कोट अप्लाई कर लूँगी और होली खेलने बाहर जा सकती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि होली के दिन हम अपने स्किन को किस तरह प्रेप करके रेडी कर सकते हैं होली खेलने के लिए, बट आप जान लेते हैं कि होली के दिन हम क्या मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। मेकअप के नाम पे हम होली के दिन सिर्फ आईलाइनर, मस्कारा एंड लिपस्टिक ही अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको सेक्रीफाइस करना होगा होली के दिन अगर आप बहुत ही ज्यादा मेकअप लवर पर्सन हो तो। आप बिल्कुल भी कोई किसी तरह का फाउंडेशन या फिर पैन स्टिक या फिर आप बीबी क्रीम्स नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देगी। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कोई सा भी थिक मॉइस्चराइजर या फिर कोकोनट ऑयल से अगर आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, उसे प्रेप करते हैं, तो वो हमारी स्किन के बाहर एक बैरियर रेडी कर देता है। जैसे कि हम मेकअप अप्लाई करने से पहले हम प्राइमर लगाते हैं जिससे कि हमारा प्राइमर एक बैरियर का काम करता है, तो ठीक उसी तरह हम होली के पहले हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके अच्छे से एक बैरियर रेडी कर लेंगे ताकि होली जब हमारी स्किन पर अप्लाई भी होगी तो वो किसी तरह से नुकसानी नहीं हो पाएगी, हम इसको इजीली वाइप करके निकाल सकते हैं। सो अब हमने जुगाड़ कर लिया है अपना ड्रेस, हेयर्स भी हमने बना ली हैं और स्किन को भी हमने रेडी कर लिया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि अब क्या बचा है, अब कुछ नहीं बचा, बट स्टिल कुछ बचा है फ्रेंड्स। जी हाँ, बट अब भी कुछ बचा है और वो है हमारे नेल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आजकल कई तरह के नेल एक्सटेंशंस या फिर नेल आर्ट काफी ट्रेंड में है और हम अपने नेल्स को डेकोरेट करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बट नेल को तो हम डेकोरेट कर लेते हैं, बट क्या होली खेलते टाइम हम अपने नेल को प्रोटेक्ट करते हैं? जी नहीं, काफी टाइम तो हम नहीं करते और काफी लोगों ने तो इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं होली खेलने से पहले हम अपने नेल आर्ट या फिर नेल एक्सटेंशन या फिर जो हम तो चलिए देख लेते हैं कि होली खेलने से पहले हम अपने नेल आर्ट या फिर नेल एक्सटेंशन या फिर जो भी हमारे नेचुरल नेल्स हैं उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरा हैक नंबर 5। तो फ्रेंड्स, होली खेलने से पहले हम अपने नेल्स पे कोई सा भी फेवरेट नेल पेंट से अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। बट फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम आप नेल पेंट को अपने नेल्स के अंदर वाले साइड अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आज का यही तो ट्रिक है। जी हाँ, ऐसे करने से होली की कलर्स आपके नेल्स के अंदर जाके एक्युमुलेट नहीं होगी क्योंकि होली की कलर्स एक बार नेल्स के अंदर एक्युमुलेट हो जाती है फ्रेंड्स, तो वो छुटाई नहीं छोड़ती है और बाद में आपको अपनी नेल्स को कट करना पड़ता है। उसके बाद हम पेट्रोलियम जेली से कुछ इस तरह से अपने नेल्स के आसपास मसाज करेंगे और अपने नेल्स को भी यानी कि अपने हाथ को भी होली खेलने के लिए रेडी करेंगे। तो है ना ये एक मज़ेदार ट्रिक, ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अब तो मैंने आपको कम्प्लीटली रेडी कर दिया है होली खेलने के लिए, बट क्या आपने कभी सोचा है कि होली खेल के आने के बाद आप किस तरह दिखते हैं? जी हाँ, आपके फ्रेंड्स बुरा ना मानो, होली है के नाम पे आप पे कुछ इस तरह रंग पोतते हैं कि आप अपने आप को भी ना पहचाने, तो फिर आपके स्किन की तो जो हालत होती होगी वो सोच ही लो। हम कई बार होली खेल के आने के बाद डायरेक्टली अपने फेस या फिर स्किन को वॉश कर लेते हैं और जब वो नहीं निकलती तो उसे बहुत ही बुरी तरह बेरहमी से हम उसे घिस घिस के निकालते हैं। और कई लोग तो कैरोसिन और पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, बट प्लीज फ्रेंड्स अपने स्किन को बख्श दो। ऐसे तो होली से वो ऑलरेडी आपकी स्किन इतनी ड्राई और इतनी डल हो जाती है और सोचो आप उस पर कैरोसिन या फिर स्क्रबर घिसोगे तो क्या हालत होगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप बिल्कुल इजीली अपने रंग को स्किन से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैंने यहाँ पे एक होली की लिक्विड कलर अपने हाथों में अप्लाई कर लिया है
और वो ड्राई हो चुकी है। अब आप कोकोनट ऑयल को लेकर इस तरह से होली के कलर्स के ऊपर स्प्रेड करके ड्राई टिश्यू से इसे धीरे धीरे वाइप करके निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली टिश्यू में ऑयल लेकर भी इसे सर्कुलर मोशन में रब करते हुए वाइप करने की कोशिश करें तो ये कलर्स इजीली निकल आती है फ्रेंड्स। एंड ये ट्रिक नॉट ओनली लिक्विड कलर्स के लिए है, बट आप जो पाउडर वाली होली के कलर खेलते हैं उसे भी आप इस तरह से ईजिली वाइप करके निकाल सकते हैं। एंड आफ्टर वाइप करके आप अपने हाथ को अच्छे से धोकर एक मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें। हो गया, आपका होली के कलर्स ईजिली निकल गए विदाउट स्क्रबर और केरोसिन यूज करके। सो फ्रेंड्स, होली खेलते वक्त तो हम बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही ज्यादा मस्ती में होली खेल लेते हैं विदाउट ये चिंता किए हुए कि हमारी आईज पे थोड़ी बहुत जो होली की डस्ट चली जाती है उससे हमारी आईज पे क्या होने वाला है। जी हाँ, हम सनग्लासेस तो पहन लेते हैं फ्रेंड्स, बट हम स्टिल जो हमारी आईज पे थोड़ी बहुत डस्ट चली जाती है हम उसके बारे में नहीं सोचते। तो चलिए देख लेते हैं कि होली खेलकर आने के बाद हम अपने आईज को किस तरह से टेक केयर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखें, आप में से जो भी कोई लेंस अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं तो होली के दिन प्लीज अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज ना करें, क्योंकि होली खेलते वक्त हम इतने ज्यादा जोश में रहते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स इतने ज्यादा जोश में होकर होली में बुरा ना मानो होली है के नाम पे हमें कुछ इस तरह से रंग लगाने आते हैं कि आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके आईज में जो होली की डस्ट चली जाएगी उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं आफ्टर होली हम अपने आईज को किस तरह से टेक केयर करेंगे। सो सबसे पहले आप होली खेल के आने के बाद अपने फेस से अच्छे से होली कलर्स को वाइप करके उसे वॉश कर लें और अपने आईज को बार बार ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद आप कोई सा भी क्लीन करने वाली आई ड्रॉप को अपने आईज पे डालकर रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आईज बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, मेरे सारी होली हैक्स तो मैंने आपसे शेयर कर ली हैं और आपको दिखा भी दिया है। अब बारी आती है कुछ टिप्स की, तो मेरे पास बस मेरे कुछ पर्सनल दो टिप्स हैं जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूंगी। टिप नंबर वन ये है फ्रेंड्स कि हम जब होली खेलने जाते हैं बाहर, हम सुबह निकलते हो तो हमें पता ही नहीं चलता है कि शाम कैसे हो जाती है, और हम अगर डे टाइम पे निकलते हैं तो भी हमें पता नहीं चलता है कि किस तरह शाम या फिर रात में बदल जाती है वो टाइम। तो फ्रेंड्स, होली में हम इतने ज्यादा मस्ती में रहते हैं कि हम अपने खाने पीने का कुछ ध्यान नहीं रख सकते, जिससे कि हमें दूसरे दिन सफर करना पड़ सकता है, हमारी बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो जाती है और हमें वीकनेस भी फील हो सकती है। सो फ्रेंड्स, हम अपने होली के दिन ये टिप जरूर इसे यूज कर सकते हैं कि हम जब होली खेलने बाहर जाए हम ज्यादा से ज्यादा शुगरी ड्रिंक का यूज करें या फिर डिटॉक्स वाटर ज्यादा से ज्यादा लें। शुगरी ड्रिंक्स और डिटॉक्स वाटर अगर हम ज्यादा से ज्यादा पीते हैं तो हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी रख सकते हैं और एट द सेम टाइम हमें अपनी बॉडी पे वीकनेस भी फील नहीं होगा। अब आता है टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 ये है फ्रेंड्स कि होली पे बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखने के चक्कर में हम होली से कुछ दिन पहले अपने स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं, सच एज फेशियल या फिर ब्लीच या फिर मसाज। तो फ्रेंड्स, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप होली से पहले या फिर होली के बाद एग्जैक्टली बाद वाला दिन कभी भी अपने कोई किसी तरह की भी स्किन ट्रीटमेंट को ना करवाएं। अगर आप अब मंथ पहले करवाते हैं स्किन ट्रीटमेंट तो फिर वो सही है, या फिर होली के 15 डेज बाद करवाते तो भी वो सही है, बट होली से पहले या फिर होली के बाद अगर आपको नेचुरल ग्लो चाहिए तो आप सिर्फ होम रेमेडी का ही यूज करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लेनी है 2 टीस्पून फुल ऑफ कर्ड, यानी कि 2 चम्मच कर्ड लेनी है आपको। लेना है आपको 1 टीस्पून फुल बेसन यानी कि ग्रैम फ्लावर एंड 1 टीस्पून फुल हनी, और फिर इसे आप अच्छे से मिक्स करें अच्छे से, कोई भी प्लम्प या फिर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, और एक स्मूथ बैटर रेडी कर ले। सो अब ये हमारे फेस पे अप्लाई करने के लिए रेडी है फ्रेंड्स, और इसे हम इस तरह से लेकर हाथ पे फेस पे मसाज कर करके अप्लाई करेंगे एंड देन उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे।
सो कर्ड एक नेचुरल ब्लीचिंग सब्सटेंस है जो कि हमारे स्किन की फेयरनेस को बढ़ाता है और ब्लेमिशेस को दूर करता है। बेसन यानी कि ग्रैम फ्लावर हमारे स्किन के टैन को हटाता है, जो थोड़ी बहुत धूप में होली खेलने से हमारी स्किन में टैन हो जाएगी ये उसे रिमूव करेगा। एंड हनी हमारी फेयरनेस को, हमारी स्किन की फेयरनेस को इंक्रीज करता है और साथ ही एक्नी या फिर एक्नी स्कार्स को भी हटाता है। तो अब हम इसे अच्छे से वॉश करने के बाद अच्छे से वाइप जो मैंने आपको आफ्टर अप्लाई कर लेंगे कर्ड वाली, वो आप जरूर से बिफोर होली भी यूज कर सकते हैं और आफ्टर होली भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक। तो फ्रेंड्स चलिए आज मेरा होली हैक्स प्लस टू टिप्स यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज प्लीज फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और हाँ मेरे वीडियो को लाइक का बटन, और हाँ मेरे वीडियो को लाइक करना जरूर से मत भूलिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स आज तो मैं चलती हूँ, आपसे फिर से मिलूंगी बहुत जल्द एक और बहुत ही अच्छी से यूजफुल वीडियो के साथ। एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय अ सेफ होली यूजिंग माई होली हैक्स। बाय।